मसीही प्यारे भाइयों बहनों और मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी लोगों को जय यीशु। जो हमारे पारिवारिक जीवन में और सामाजिक जीवन में जो हमारा विश्वास है, उस विश्वास को फीका कर देता है और हमें सांसारिक चीज़ों में भुला देती है। और जब हम आज के पवित्र सुसमाचार में गहराई से देखें, गहराई से जाएं, तो हम दो किस्म के लोगों को देखने को मिलता है। पहले किस्म के लोग वे होते हैं जो ईश्वर की इच्छा के अनुसार नहीं बल्कि अपने योजना के आधार पर जीवन जीते हैं, और दूसरे किस्म के लोग वे होते हैं जो ईश्वर की इच्छा के आधार पर और पवित्र आत्मा द्वारा संचालित जीवन जीते हैं। जो लोग ईश्वर की इच्छा के अनुसार नहीं बल्कि अपनी योजना के आधार पर जीवन जीते हैं, वे समय के आधार पर नहीं बल्कि समय सांसारिक समय के आधार पर अपना जीवन जीते हैं। वे अपने जीवन में कई कार्य करते हैं, कई महान कार्य करते हैं, लेकिन वे कार्य करते हैं यश कमाने के लिए, अपना नाम कमाने के लिए और लोगों के बीच में एक प्रसिद्ध व्यक्ति बनने के लिए। प्रभु ईसा मसीह के शिष्य प्रभु ईसा मसीह को कफरनहूम से यहूदिया जाने के लिए विवश करते हैं और वहाँ पर महान कार्य करने को कहते हैं, जिससे कि यीशु के शिष्य वहाँ नाम कमा सके और लोगों के बीच में प्रसिद्ध हो सके और उनकी ख्याति बढ़ जाए। लेकिन प्रभु ईसा मसीह उनसे कहते हैं कि मेरा समय अब तक नहीं आया है। क्यों प्रभु ईसा मसीह उनसे कहते हैं कि मेरा समय अब तक नहीं आया है? क्योंकि प्रभु ईसा मसीह ने प्रसिद्ध होने के लिए इस संसार में नहीं आए हैं, बल्कि वो आम जनता को बचाने के लिए और जो लोग संसार की चीज़ों में फंसे हुए हैं, संसार की मोह माया में फंसे हुए हैं, उन्हें छुटकारा दिलाने के लिए और जो लोग पापों की दलदल में गिरे हुए हैं, उन लोगों को पापों से निकालने के लिए इस संसार में आए हैं। उनका कार्य नाम कमाना या प्रसिद्ध होना नहीं है। इसीलिए लोगों ने प्रभु ईसा मसीह को भला बुरा कहा और बहकाने वाला कहा, लेकिन उनके बातों पर प्रभु ईसा मसीह ने कभी निराश नहीं हुआ, लेकिन उनसे कहा कि तुम जाओ, अब तक मेरा समय नहीं आया है। तुम्हारे पास हर समय है, तुम अपनी मर्जी से कार्य करते हो। मैं अपनी मर्जी से कार्य नहीं करता, मैं समय का इंतजार करता हूँ। प्यारे भाइयों बहनों और मेरे प्यारे दोस्तों, यह उपवास काल हमारे लिए एक महत्वपूर्ण काल है। इस काल में हम अपने बुरे कार्यों को त्याग दें, सांसारिक चीज़ों को छोड़ दें और ईश्वर के पीछे चलें। और जब हम ईश्वर के पीछे चलते हुए सत्य की ओर आगे बढ़ेंगे, तो संसार हमसे बैर करेगा और हमारा उद्धार होगा। तो आइए प्यारे भाई और बहनों, संसार के सभी चीज़ों को त्यागते हुए, मुंह मोड़ते हुए, हम इस उपवास काल में अधिक से अधिक प्रार्थना करें, जिससे कि ईश्वर की कृपा हम लोगों पर, हमारे परिवारों पर हमेशा बनी रहे। पुनः आप सभी लोगों को जय यीशु।